रोजगार सेवकों ने सांसद को सौंपा 8 सूत्री ज्ञापन, चुनाव पूर्व किया वादा पूरा कराने की उठाई मांग। हिंदुस्तान संवाददाता सीतापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रांतीय आह्वान पर शुक्रवार को सांसद राजेश वर्मा के आवास पर संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष व सीतापुर के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार शुक्ला ने नेतृत्व में 8 सूत्रीय मांग संबंधी मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन माननीय सांसद राजेश वर्मा जी को सौंपा। सांसद ने समस्याओं के जल्द निराकरण का आश्वासन दिया है। ज्ञापन सौंपने में पूर्व जनपद के समस्त विकास खंडों से आए ग्राम रोजगार सेवक सरोजनी वाटिका में एकत्रित हुए। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संतोष शुक्ला ने की। संतोष शुक्ला ने कहा कि जिस चुनाव प्रचार में के दौरान उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने आश्वासन दिया था कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर समिति बनाकर ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने भाजपा के प्रांतीय व राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति के उपरांत संगठन को लिखित आश्वासन पत्र भी दिया था कि भाजपा सरकार बनने पर ग्राम रोजगार सेवकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, जिससे प्रभावित होकर 38,000 ग्राम रोजगार सेवक एवं उनके परिवार के सदस्यों ने भाजपा को जिताने में अपना भरपूर सहयोग व समर्थन किया था। बैठक में मोहम्मद हारून सिद्दीकी, पवन शुक्ला, रामासरे, रमेश वर्मा, अविनाश विजय, राम मुनेश्वर, मोहम्मद जुबेर, नागेंद्र सिंह, छन्नूलाल, राममोहन अवस्थी, महेंद्र अवस्थी, शरद शुक्ला, अंजनी यादव, संजय व कौशलेन शर्मा, सुधीर सिंह, ब्रजेश मिश्रा समेत हजारों ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे।